त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मछलियां भी चीखने लगी। हटाओ ना, हटाओ। आ, 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 क्या मर गए? क्या करते हो? इडियट, नॉनसेंस, जाहिल, बदतमीज। ठहरिए, जुबान काबू में रखिए मैडम। आप एजुकेटेड नजर आती है, इसलिए या तो प्योर इंग्लिश में या फिर खालिस हिंदुस्तानी में गाली दीजिए। ओह यू डैम विल्सन डैम, शट अप। आप तो खाम का गर्म हो रही हैं। बताइए, कोई शौक मछली खुद किसी हसीना से जा लिपटे तो उसमें बंदे का क्या कसूर? He's right. किससे पूछ कर यहाँ आए हो तुम? क्या तुम्हारे बाप की जगह है? जी नहीं, ना आपके बाप की जगह है ना मेरे बाप की जगह है। ये तो उसकी जगह है जो सबका बाप He's है। right. तुम दोनों पहुँचे हुए लोफर मालूम होते हो। आखिर तुम हो कौन? पहुँचे हुए लोफर? उफ़ो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? नाम श्री आर प्रकाश और काम शिकार की तलाश। हाई 10 feet, sorry 5 feet 10 inches, वेट प्लीज वेट, ओह ओनली 10 kilograms। और फेट यानी कि किस्मत दो चार दिन में खुलने वाली है। He's right. Shut up, you monkey. She's right. जंगली कहीं के, तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। शो शो, आपकी डिस्पेंसरी कहाँ है? वाह वाह, क्या आयुर्वेदिक दवाई दी है। गुड मॉर्निंग चाची। माँ
मैं यहाँ हूँ बेटा। ओ माँ, तुम्हें कितनी बार कहा था मेरे जूतों को हाथ ना लगाकर ना लगाकर, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, तू तो दादा परदादा बन चुका है ना, मूर्ख है। तू क्या जाने तेरे लाड़ चाव में मुझे क्या सुख मिलता है। माँ, तेरे एहसानों का बदला तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। मेरे पालने पोसने पढ़ाने लिखाने में क्या क्या दुख उठाए हैं तुमने। मैं कौन होती हूँ बेटा, ये तो सब भगवान की दया है। तुम मानो भगवान को, मैं तो तुम्हें मानूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। हे भगवान, मेरे लाल का जीवन सुख और शांति से भर दे, इसे यश दे, कीर्ति दे, और मैं तो कहती हूँ मेरी उम्र भी इसे लगा दे। माँ, ऐसी दुआ फिर कभी नहीं मांगना। पिताजी की शक्ल देखना तो नसीब नहीं हुई, तुम भी मुझे अपनी सेवा का मौका नहीं देना चाहती। अरे तू क्या मेरी सेवा करेगा? क्यों माँ? अपनी पढ़ाई खत्म कर, काम पे लग जा। एक सुंदर सी बहू लिया, इस आंगन में एक नन्ना मुन्ना खेले तो मेरी सेवा अपने आप हो जाएगी। फिर मैं भगवान को 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, तेरा भगवान 125 रुपए में इतने सारे काम कर देगा? रवि बेटा। कौन चाची, अंदर आओ ना। आओ रजनी की माँ, कैसे आई? रजनी के पिताजी को चिट्ठी लिखवाई है। लो बेटा, इस पर अंग्रेजी में पता लिखकर डाक में डाल देना। चाची, ये चिट्ठियाँ कब तक चलेंगी? क्यों ना चाचा को तार दे दूं कि नौकरी वोकरी छोड़कर चले आओ। कि तेरे बिना चाची का जी नहीं लगता, हो मेरे चाचा, हो मेरे। चल हट, मैं हट गई। रवि की माँ, कल की बात मालूम होती है जब ये गोद में खेलता था, और आज सर छत से लग रहा है। बेटा जरा इधर तो देख, किसी की नजर न लग जाए मेरे लाल। चांदा, अब मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। जीजा जी, ओ जीजा जी, तुम भी अपना मुंह काला कर लो, किसी की नजर नहीं लगेगी। अबे तू जो नजर बट्टू लगा हुआ है मेरे साथ, तो फिर मुझे किसी की नजर क्या लगेगी? मैंने तेरा नाम केतु ऐसे नहीं रखा है, तू सचमुच का ग्रह है। 5 साल पहले आया था तो अपनी बहन की अर्थी निकाल गया, और अब आया है तो जीजा जी घबरा नहीं, मैं तुम्हारे अर्थी को भी खंडा दे दूंगा। धन्य हो साले, हो तो ऐसे हो। क्या बच्चा चुप। पंडित जी महाराज, मैं अंदर आ सकता हूँ? बैठिए। क्या प्रश्न है आपका? चुप मूर्ख, अगर हम ग्राहक से प्रश्न पूछेंगे तो फिर हमें ज्योतिष आचार्य कौन कहेगा? मूर्ख कहेगा। महाशय जी, आपका प्रश्न धन पदार्थ, दुख सुख, जन्म मरण, सुख हानि, संतान सम्मान, वियोग संयोग, मुकदमा बीमारी, इन सब विषयों में से किसी एक विषय के साथ संबंध रखता है। क्यों, सत्य है ना? सत्य है महाराज, मेरा प्रश्न संतान के बारे में है। 12 बरस हुए संतान नहीं हुई। नहीं महाराज, 12 बरस में 13 बच्चों का बाप बन चुका हूँ, अब तो कमर भी टूट चुकी है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि अब आगे संतान नहीं हो। अच्छा, हाथ दिखाइए। लीजिए। संतान कैसे ना हो महाशय जी, आपके संतान के खाने में तो शनि बिस्तर बिछाए बैठा है। इसका कोई उपाय महाराज? उसका बिस्तर गोल करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इस दुष्ग्रह के सर पर 101 जूते मारे जाएं, अर्थात 101 रुपए भेंट किए जाएं। नोट नहीं, चांदी के? चांदी के तो नहीं है, मेरे पास तो नोट ही है। नोट है? खैर दे दीजिए। ये लीजिए जंतर, और बांध लीजिए अपने बाजू पर। आज से आपके यहाँ तो क्या, आपके सारे मोहल्ले में किसी के यहाँ संतान नहीं होगी। धन्य हो महाराज, धन्य हो, बड़ी कृपा की आपने। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जीजा जी, तुम धन्य हो, धन्य हो। किसी को उल्लू बनाना तो आप भी सीखे। अबे चुप, उल्लू के पट्टे, उल्लू बनाने से क्या फायदा? तुम दोनों मामा भांजा, दो ग्रह जो मेरे पीछे पड़े हुए हो। राहु केतु, कहाँ है वो राहु? आ हा हा, वाह वाह,
तेरी तस्वीर में तुझसे भी एक खूबी निराली है, लपट लो जितना जी चाहे, न गुस्सा है न गाली है। अबे ओ बंदर की औलाद। He is right. पूज्य पिताजी। अबे ओ पिताजी के बच्चे, कब से चिल्ला रहा हूँ सुनाई नहीं देता। पिताजी पूजा करते समय मुझे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई। पूजा? किसकी पूजा करता है तू? अपने इष्ट देव की। अरे ये तो मैं हूँ, मैं तो किसी देवता की तस्वीर समझाता। पिताजी मेरे लिए तो आप ही देवता हैं। आ हा हा हा। मेरे जन्मदाता। आ हा हा हा। मेरे अन्नदाता। आ हा हा हा। मेरे धनदाता। आ हा हा हा। आगे बढ़ो। अब क्या बढ़ूं? आपने तो मेरी गाड़ी को ही ब्रेक लगा दिया। पंडित जी महाराज। हाँ ठहरो ठहरो आता हूँ। पिताजी मामा जी आज कुछ कल की ज्यादा है, आप ही कृपा करिए ना। आखिर मामा की जरूरत पड़ी ना। चरण जो चरण जो पैसे मेरे। सोचूंगा सोचूंगा। तो अब तक क्या मेरा। गुड मॉर्निंग सर। रवि सुनो जी, तुमने मुझसे ट्यूशन के लिए कहा था। यस सो वो काम बन गया। थैंक यू सर। ये लड़की पहले कॉन्वेंट में पढ़ती थी, अब यहाँ दाखिल हुई। हिंदी में जरा कमजोर है। ये लो कल से पढ़ाना शुरू कर दो, 100 रुपए माहवार मिलेगा तुम्हें। मिस कंचन? हाँ मशहूर रईस दीवान जानकी दास की बेटी। दीवान जानकी दास? अगर तुम्हारा काम तसल्ली बख्श हुआ तो इनाम भी मिलेगा। मिस कंचन श्रीमान श्री युत रवि जी महाराज, कन्या को ऐसा पाठ पढ़ाइए, ऐसा पाठ पढ़ाइए कि जन्म जन्मांतर तक आपकी शिष्य बनी रहे। मैन साहब कोई साहब आपको मिलने को आया। अच्छा मैं भी आती हूँ। कुसुम यू प्ले। जी कहिए। तुम यदि आप कंचन देवी हैं तो नमस्कार। मैं पूछूं तुम्हें इस घर का रास्ता किसने बताया? जी वास्ता पड़ जाए तो रास्ता स्वयं मालूम हो जाता। मेरा तुम्हारा क्या वास्ता? निकल जाओ यहाँ से, वरना वो सबक पढ़ाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। आश्चर्य है, प्रोफेसर साहब ने तो मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा था, उल्टा आप मुझे पढ़ाने लगी। मुझे ऐसे पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं जो राह चलतों से उलझे और शरीफ बन के उनके घरों में भी घुसे। मैं कुछ चूहा नहीं देवी जी जो कहीं घुस जाऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है मेरे कान मुझे धोखा दे रहे, वरना आप जैसी सुशील लड़की एक अजनबी से ऐसा बर्ताव करे असंभव असंभव। क्या बकते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जी न जानता हूँ न पहचानता हूँ, मुझे तो आज पहली बार आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो वो कौन था जिसने नदी पर मुझसे बदतमीजी की थी? बदतमीजी लड़की के साथ? तो मैं लड़की नहीं हूँ क्या? दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई तो देता है मगर सुझाई कुछ नहीं देता। सुझाई भी देने लग जाता अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे लफंगे साथी को पुलिस के हवाले कर देती। लफंगा साथी? जी हाँ, जो आपके हाँ में हाँ मिला रहा था। ओह समझा, आगे चलिए। प्लीज गो ऑन। व्हाट गो ऑन? यू गेट आउट फ्रॉम हियर। हरिया हरिया। आप हरिया को बुलाती हैं, मैं स्वयं चला जाता हूँ। परंतु इतना सुन लीजिए, वो मैं नहीं प्रकाश था, अवश्य प्रकाश था। कौन प्रकाश? मेरा जुड़वा भाई। जुड़वा भाई? जी हाँ। नमस्ते। सुनिए जी, मुझे बहुत अफसोस है, दरअसल आपकी और उसकी शक्ल में जरा भी तो फर्क नहीं। कोई भी धोखा खा सकता है। कोई क्या, हमारी माँ भी अक्सर धोखा खा जाती है और कभी कभी मैं स्वयं धोखा खा जाता हूँ। आइए आपको डैडी से मिला दूँ। जी नहीं आज नहीं, अगर आपके डैडी भी इस तरह मिलेंगे तो आज मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे और शर्मिंदा न कीजिए, आइए ना। आइए डैडी मम्मी सिस्टर, और ये है मिस्टर। मिस्टर नहीं मास्टर, मैं इनका मास्टर हूँ जी। मेरा नाम रवि है, प्रोफेसर गुप्ता ने मुझे यहाँ भेजा है। ओ आई सी, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। कहिए क्या खातिर तवाजो की जाए। जी खातिर तवाजो तो मेरी कर चुकी हैं कंचन देवी। आप
चाय पियेंगे? जी नहीं। प्रोफेसर गुप्ता से आपकी बहुत तारीफ सुनी है जी। बस उनका प्रेम है, वरना मैं किस योग्य हूँ? अगर आप किसी योग्य नहीं तो दीदी को पढ़ाएंगे कैसे? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके पिताजी क्या करते हैं जी? अगर पिताजी होते तो शायद आप मुझे यहाँ ना पाते। उनका साया तो बचपन में ही मेरे सर से उठ गया था। बस एक मेरी माँ है और एक मैं हूँ। और आपका जुड़वा भाई? जी, उस मूर्ख का होना ना होना तो एक बराबर। अच्छा कंचन देवी, इन सब से तो परिचय हो गया, अब अपनी पुस्तकों से भी परिचय करवा दीजिए। आज रहने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। अच्छा कल किस वक्त हूँ? कल नहीं, परसों। चलिए परसों में, कौन से परसों है, परसों से ही। अच्छा नमस्कार। नमस्ते। लड़का होनहार मालूम होता है, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। पढ़ाई का समय तो आज लड़ाई में बीत गया। कल कोई विशेष काम है आपको? डैडी ने बाग के लिए एक नया प्लॉट खरीदा है, उसे देखने जाना है। बहुत दूर है क्या? नहीं, खास दूर तो नहीं है, उस पहाड़ी के पीछे है। सारा परिवार जा रहा है? नहीं, बाकी तो सबने देख लिया है, मैं अकेली जा रही हूँ। तो ठीक है, आप कल प्लॉट दिखाइए, तब तक मैं अपने ड्रामे का प्लॉट तैयार कर लेता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। निगाहें वो किराहगीरों पे जिनके वार होते हैं, ये अच्छी सूरतों वाले मुसाफिर मार होते हैं। सरकारी सड़क है ये, तेरा घर तो नहीं है, हम क्यों ना करें इश्क, तेरा डर तो नहीं है। क्या रंग बहारों का होगा,
का होगा। ओ हाय हाय मतवाले नैन है ऐसे तालाब में यारो जैसे दो फूल रहे हो तैर खुदाया है गुलशन की करने सैर खुदाया है। मस्तानी है ये अपने वक्त की रानी है जो पहली बार सुनी मैंने जो पहली बार सुनी मैंने ये वो रंगीन कहानी है। ओ, 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 मौजों की तरह चलती है शबनम से ये जलती है कलियों से भी है बैर खुदाया है गुलशन की करने सैर खुदाया है। फूलों से मुगड़े वाली निकली है एक मत वाली गुलशन की करने सैर खुदाया है। और कहीं फिसल न जाए पैर खुदाया है। जीप यहां कैसे? आपकी कोई मदद कर सकता हूं? जी हाँ। लाइए स्पैनर। बकवास बंद कीजिए और तशरीफ ले जाइए। मैं तो तशरीफ ले जाता हूं मगर शायद आज आप वापस तशरीफ ना ले जा सके। What nonsense? देखिए आपकी जीप आउट ऑफ सेंस हो चुकी है। डॉक्टर की सर्विस आपको मंजूर नहीं। उधर सूरज देवता की सवारी जा रही है, चांद आज छुट्टी पर। देखिए एक तो जंगल का मामला, दूसरे आप अकेली, तीसरे औरत जात, चौथे यहाँ के आदमी और जंगली इतने बदजात हैं कि 100 मील से आदम वो कहते हुए अपने शिकार के पास पहुंच जाते। यू डैन मेरे पीछे छोड़ोगे या? देखिए मैं तो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार हूँ मगर इन जंगली दरिंदों से अपना पीछा कैसे छुड़ाइएगा? अच्छा भगवान आपको बड़ी से बड़ी तकलीफ सहने की शक्ति दे। या फकीर हूँ
जंजीरों शरीर जंजीरों या फकीरों जी ये क्या कह रहे हैं ये शादीशुदा मर्द औरत को कुछ नहीं कहते और मैंने कह दिया है मेरी और आपकी शादी हो चुकी है आप भी कह दीजिए वरना ये हमारे टुकड़े टुकड़े उड़ा देंगे फरूना फौरन जवाब मांग रहा है कह दीजिए जंजीरों इज राइट हंस रहा टाटा वाटा बताता फरूना फरूना जंजीरों जंजीरों ओ तकदीरों तकदीरों रक्षोना रक्षोना यासो यासो बहुत अच्छा हो गया आप आगे मेरी तो जान ही निकल गई थी चलिए मैं आपको घर तक छोड़ दूँ मारा गया अजीब गल है कल शाम को तो चंगे बजे थे रातों रातों क्यों हो गया ओ मेरी लाजो दुनिया में हर काम रात को होते हैं जैसे चोरी के लिए रात डाके के लिए रात इंतजार के लिए रात प्यार के लिए रात भाई देवी आज रात को तुम्हारा क्या प्रोग्राम है छोड़ो ना जी अच्छा ये बताओ तुम्हारी टांग पर पट्टी किस तरह बंध गई ओए होए कुड़िये ये दूसरे के पट्टे में टांग अड़ाने का नतीजा है वो मेरा जिगरी यार है ना उस कंबख्त को तकरार तकरार में एक लड़की से प्यार हो गया कल रात को उस लड़की की कार जंगल में बेकार हो गई और मुझे मेरे यार की खातिर जंगलियों के सरदार का पार्ट प्ले करना पड़ा वो किस लिए वो इसलिए ताकि मेरा यार हम जंगलियों से लड़कर उस लड़की को हमारे पंजे से छुड़ा ले और अपने पंजे में फंसा ले बदमाश ओ कचूना मफूना माफी पार्डन पार्डन लोफर लफंगे शर्म नहीं आई ऐसी जलील हरकत करते हुए कि तुम्हारे घर में मां-बहन नहीं है जी मां मेरे पैदा होने से पहले ही मर गई नहीं नहीं मेरे पैदा होते ही मर गई और बहन कोई पैदा ही नहीं हुई बड़ा जी चाहता है राखी बंधवाने को कहो तो आपकी आ जाओ राखी बंधवाने अलाउ मी बेहया चलो कोई गल नहीं पैनी ने तो मारा है यू आर राइट चल कुड़िए बड़ा जोर नाल मारिया मैनू मैं भैया जी को अभी खबर करता हूँ कि वो आई है ठहरो मैं तुम्हारे भैया से नहीं तुमसे मिलने आई एक ही बात है ऊपर आइए ना भैया जी वो आई है मिस कंचन आई है आपसे मिलने वस्त्र बदल कर अभी आया कंचन देवी आप विराजिए प्रकाश तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हारी करतूत का पता चल चुका है मुझे कंचन देवी से तुम शर्म से डूब ना मरे एक सुशील कन्या से इस तरह का नाटक रचाते हुए तुम्हें क्या अधिकार था उसे जंगल में इस तरह सताने का भैया मेरी बातों में दखल मत दीजिए दखल ना दूं शरारत तुम करो बदनामी मेरी होती है दोष तुम्हारा होता है दोषी मुझे ठहराया जाता है चलो इसी वक्त चलकर उनसे क्षमा मांगो नहीं भैया मुझे मजबूर ना करो मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा नहीं मांगा कैसे नहीं मांगा बोल बोल फिर करेगा इसे बदतमीजी बोल फिर छेड़ेगा किसी शरीफ कन्या को भैया भैया तौबा मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा भैया भैया मेरा गला भैया छोड़ दो अब बस फिर करेगा नहीं भैया नहीं मुझे माफ कर दो भैया भैया मुझे माफ कर दो माफी मुझसे नहीं कंचन देवी से मांगो उनके चरण पकड़ो भैया मैं उनके हाथ चरण पकड़ने को तैयार हूँ मुझे छोड़ तो दो भैया छोड़ दो भैया प्रकाश प्रकाश भाग गया काया डरपोक कहीं का छी 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 भगवान किसी को ऐसे निर्लज्ज का भाई ना बनाए क्षमा कीजिए कंचन देवी मैं आपके दोषी को आपके सामने लाने में असफल रहा कोई बात नहीं आपने उसे काफी डांट दिया है मेरा ख्याल है अब वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा जी नहीं वो अपनी हरकतों से बाज आने वाली आसामी नहीं अब भी किसी न किसी भेष में कोई ना कोई हरकत अवश्य कर रहा होगा ओह बातों बातों में आपकी सेवा करना तो भूल ही गया कहिए तो जल पान कीजिएगा जी मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ अच्छा मैं चलूं जी बराजी ना माता जी मंदिर से आती होंगी उनसे मिलकर जाइएगा जी फिर कभी सही जैसी आपकी इच्छा जी क्या देख रही हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं आप चित्र अच्छा होने से क्या होता है जी मनुष्य का चरित्र अच्छा होना चाहिए फिर सब अच्छा ही अच्छा है अच्छा
नमस्ते। जी नमस्कार, फिर कभी जरूर पधारिएगा। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। बड़े भैया, अब जरा छोटे भैया बन जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? माँ, मैं मोटरसाइकिल के पुर्जे लेने जा रहा हूँ। प्रसाद तो खाता जा, बाकी आके खाऊंगा। मास्टर जी आओ बेटी आओ। तुम्ही को पढ़ाता है ना मेरा बेटा? जी हाँ। वो बाहर चला गया, बैठो ना। शुक्रिया, मैं अभी यहाँ से गई हूँ, जाते वक्त ही पर्स भूल गई थी। चलो इसी बहाने तुम्हें देख लिया। बड़ी तारीफ करता है मेरा बेटा तुम्हारी। तारीफ के लायक तो आपका बेटा है माँ जी, जो कॉलेज में पढ़ते हुए भी इतने सादे हैं। मगर माफ कीजिए, आपका ये छोटा बेटा बिल्कुल उलट है अपने भाई से। क्या कहती हो बेटी, ये दोनों तस्वीरें उसी की तो हैं। जी लेकिन लेकिन मास्टर जी तो कह रहे थे ये मेरा जुड़वा भाई है। हंसी मजाक में कहा होगा, मुझे तो भगवान ने एक ही लाल दिया है। जीता रहे, मेरा एक ही लाल हजारों में एक है। हजारों में नहीं, लाखों में कहिए। आज तो मैं ठीक समय पर आ गया हूं ना जी? आप तो हर काम ठीक समय पर करते हैं। धन्यवाद। देखिए आज समय नष्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी से पुस्तक निकालिए। छोड़िए इन बेजान पुस्तकों को, कभी कोई चीती जागती पुस्तक भी पढ़ लिया कीजिए ना जी। वो कल का जो पाठ बाकी रह गया उसे समाप्त कर ले, हिस्ट्री की पुस्तक निकालिए। नहीं मास्टर जी, हिस्ट्री नहीं, आज तो ज्योग्राफी का मूड है जी। देखिए ना, बारिश के बाद धूप कैसे मुस्कुराने लगी है, ऐसा लगता है नेचर आंख में चोली खेल रही हो। आज का दिन इस घर की चार दीवारी में बर्बाद करना अपने आप पर जुल्म करना है। चलिए जी, मैं समझा नहीं। तो समझने की कोशिश कीजिए ना कंचन देवी। कंचन के पहलू में भी दिल है, कोई कांच का टुकड़ा नहीं। न जाने क्या जादू कर दिया है आपने। जादू? हटाइए ना आंखों को, जालिम होश छीने लेती हैं। कंचन देवी। देवी नहीं, सिर्फ कंचन। कहिए कंचन। अब चलिए ना, जहां कोई ना हो चलिए। देवी जी, गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी मैंने नहीं, ये सुंदर वातावरण ने रोक ली है। ये रुद्ध, ये समा, ये तन्हाई, आगे जाने की इजाजत देते हैं क्या? आइए आइए ना। आप चुप चुप क्यों हैं? कुछ सोच रहे हैं क्या? जी हाँ। क्या? यही कि जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, मैं अपने आप को उसके योग्य नहीं समझता। क्यों? कहाँ आप कहाँ मैं, मेरा मूल्य तो आपकी इस अंगूठी से भी कम है। दिल वाले सोने चांदी से इंसान को नहीं तोड़ते। वैसे ये अंगूठी मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि जिस दिन मैंने इसे पहना उस दिन आप मेरी जिंदगी में आए। जी
जी, और मेरे दिल में इस तरह समा गए जैसे इस अंगूठी में नगीना। कंचन देवी, मेरे कान क्या सुन रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं आ रहा, ये सत्य है या सपन? अब तो आ गया ना विश्वास, ये सपना नहीं है। पक्का विश्वास? प्यार में कच्ची बात चलती भी तो नहीं है। नहीं। लेकिन देखिए, कहीं हमसे दामन छुड़ा तो न लोगे, किसी और से दिल लगा तो न लोगे। हरिओम हरिओम, मुझे ऐसा कभी मत समझिए, मेरा हृदय कदापि ऐसा नहीं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाय राम। क्या हुआ? मेरी अनमोल अंगूठी, मेरे प्यार की यादगार, ये तो मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अब क्या होगा, ये तो बड़ी बदशगुनी हुई। आप चिंता मत कीजिए, मैं। आप पानी में कूदेंगे? पानी तो क्या, मैं आपके लिए अग्नि में कूदूंगा। लेकिन कपड़े तो उतार लीजिए। आप जरा मुंह कीजिए। मिल गई, मिल गई। कंचन देवी लीजिए, आपकी प्यारी अंगूठी मिल गई। थैंक यू। आप जरा मुंह उधर कर लीजिए, मैं बाहर आ जाऊं। मेरा ख्याल है अब आप भीतर ही रहे, ताकि आपका दिमाग ठिकाने आ जाए। देखिए मेरे वस्त्र लौटा दीजिए। घबराइए नहीं, मैं आपके छोटे भाई को संभाल दूंगी, जो आपसे पूरे 3.5 मिनट छोटा है। देवी मेरे वस्त्र दे दो, भगवान के लिए ऐसा भयानक मजाक मेरे साथ मत करो। और आपने मेरे साथ जो मजाक फरमाए वो क्या कम भयानक थे? कौन से मजाक? मेरा जुड़वा भाई है, दोष उसका होता है, दोषी मैं ठहराया जाता हूँ। देखो मैं घर कैसे जाऊंगा।
देवी, देवी जी, कंच देवी, देवी जी, भगवान, एक बार तूने द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज मेरी लाज खतरे में है, भगवान इसे भी बचाइयो, भगवान यू मंकी, तुम्हें यहाँ आने का हौसला कैसे हुआ? जी मैं तो अपने दोस्त के हाथ में कठपुतली हूँ, जिधर वो घुमाता है घूम जाता हूँ। आप भी जरा अपनी नजरों को रवि के इस खत की तरफ घुमाइए। यू कंचन देवी, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, वैसे मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, इससे बड़ी सजा मेरे लिए और क्या होगी कि अब मैं कभी आपसे मिलने की जरूरत नहीं कर सकता। खबरदार जो मिलने की जरूरत की। आपका गुनहगार रवि। ठहरिए, रवि ने जवाब मांगा है। जवाब ये लो। जवाब नहीं आपके जवाब का, आधी रात तक पानी में रहने से बेचारे का बदन पहले ही बुखार में जल रहा है, रही सही कसर आपका ये जवाब पूरी कर देगा। रवि क्यों बोल रहे थे? ये लो संभालो तुम्हारे खत का जवाब, खत के पुर्जे। प्यार में तो कभी कभी आदमी के भी पुर्जे हो जाते हैं, मेरे तो सिर्फ खत के पुर्जे हुए हैं, मैंने भी अपनी जान से लगा कर रखूंगा। अरे भाई मुझे तो तुम्हारी जान ही खतरे में नजर आती है, इस प्यार व्यार के चक्कर से निकलो, अदरवाइज यू नो। बोल रतन, इस चक्कर में पड़ना और इस चक्कर से निकलना किसी के बस में नहीं, मुझे नहीं मालूम था हंसी हंसी में अपनी जान को रोग लगा बैठूंगा। अब तो ना उसके पास जाते बनती है और ना उससे दूर रहते, मेरी समझ में नहीं आता आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कंचन, he is right. अरे रवि, कंचन आई, आओ। हाँ, बड़ी शर्मीली है तुम्हारी शादी। हाँ। न जाने कब से दरवाजे पे खड़ी अंदर आने की सोच रही थी, अब तबीयत कैसी है? अजी इनकी तबीयत की क्या बात है, बहुत तेज इंजेक्शन लगा है डॉक्टर का, मगर बुखार को तो इसने खुद बुलाया है। भला ऐसे मौसम में कोई तालाब में नहाने के लिए जाता है? न जाने किसका कंबल ओढ़कर घर पहुंचा, और कहता है कपड़े मुंह एक बंदरिया उठा कर ले गई। ये तो शुक्र कीजिए माँ जी, कपड़े रवि के बदन पर नहीं थे, वरना बंदरिया इसे भी उठा के ले जाती। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारे लिए चाय ला दी। नहीं माँ जी, मैं चाय पी के आई हूँ, आप तकलीफ न कीजिए। मिस कंचन, आप तो चाय पी के आई है, इस गरीब के पेट पे लात क्यों मारती है? जाइए माँ जी, गेट मी ए कप ऑफ दार्जिलिंग टी प्लीज। तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। बैठिए ना, बैठिए, अपना घर है। अरे तुम्हें जरूरी काम से बाहर जाना था ना? भैया मुझे क्या जरूरी काम हो सकता है, आप केला खाइएगा। थैंक यू, तुम तो दवाई खाते हो। वेरी टेस्टी। राइट, मैं तो भूल ही गया था, मुझे वाकई जरूरी काम है। लेकिन काम क्या है? तो खैर कोई बात नहीं, मैं रास्ते में किसी से पूछ लूंगा। आई फॉरगॉट, मेरे दार्जिलिंग चाय का क्या हुआ? उफ, जाओ ना यार, सेंड मी इन अ थर्मस। खत के जवाब का शुक्रिया कंचन देवी,
मैं वाकई इस लायक। शर्मिंदा ना कीजिए, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। जी इसमें माफी की क्या बात है, जब गले से मिल गए सारा किला जाता रहा। जी जी मेरा मतलब है जब आप खुद चलकर आ गए हैं तो माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी गुस्से में मेरे मुंह से जो कुछ भी निकल गया उसे भूल जाइए। जी भूले तो वो जिसे कुछ याद रहे, यही तो खूबी है मुझ में कि मामूली सी बात याद नहीं रहती और जरूरी बात कभी नहीं भूलता। जैसे आपकी वो बात मुझे कभी नहीं भूलेगी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद आप शादी करना चाहती हैं। क्या इस मामले में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? पहले आप अपनी मदद कीजिए। जी यानी बातें कम आराम ज्यादा। अच्छा अब मुझे इजाजत है। वो जरा एक पानी पिला दीजिए फिर इजाजत। बेटी चाय लो, ठहरो मैं ही चाय बना देती। अभी जैसे थे। एक जरा माँ को चाय लेने दीजिए फिर इजाजत है। अभी इजाजत है? हाँ हाँ इजाजत है, पियो ना चाय।
क्या हुआ? क्या बात है? विजय जी क्या हुआ? अबे चुप। अनमोल रतन, ओ बेटा अनमोल रतन। आया पिताजी, आया। हाँ, मामा क्या बात है? Are you all right पिताजी? ये आज आपकी होठों पे हंसी कैसी? अरे मर्दोदार बात ही कुछ ऐसी है, जब तुम सुनोगे तो तुम भी झूम उठोगे। बैठो बैठो। क्या है? बेटा इस घर की कुंडली बता रही है कि अब इस घर में स्त्री के पांव पड़ने में कोई देर नहीं। जीजाजी। पिताजी। बेटा बेटा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि शादी ब्याह के मामले में औलाद की राय लेना बहुत जरूरी है। He's right. Yes. मुझे आशा है कि तुम्हें इस ब्याह से कोई एतराज नहीं होगा। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ पिताजी? लड़की मेरी नजर में है, मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उल्लू का पट्टा, अबे मैं तेरी शादी की नहीं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। पिताजी। बेटा तू अभी बच्चा है, तुझे बीवी की नहीं माँ की जरूरत है। माँ। और मुझे तुझे बहन की जरूरत है। बहन। अबे कमीनो मुंह क्यों लटका लिए? अरे ये शादी कोई मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ये तो मरने वाले की खुशी के लिए कर रहा हूँ। उस बिचारी ने मरते समय मुझसे वचन लिया था कि उसके बेटे को बगैर माँ के और भाई को बगैर बहन के ना रहने दूं। इसलिए मैंने इरादा कर लिया है, मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन किसी विधवा से। पिताजी आप किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए, वो बिचारी अपने आप ही विधवा हो जाएगी। उल्लू का पट्टा, अबे शादी से पहले ही विधवा कर रहा है, गधे का बच्चा ना हो तो। डैडी, रवि पास हो गया, देखिए देखिए ये रहा उसका रिजल्ट। गुड डैडी, वो इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ है, उसे स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगा। इसमें हैरानी है, क्या बात है, स्कॉलरशिप फरिश्तों को नहीं मिलता, लड़कों को ही मिलता है। ओ डैडी। माँ मुझे आशीर्वाद दो, जिंदगी का हर इम्तिहान इसी तरह पास करता जाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, संसार की सारी खुशियां तुम्हारी हो, तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। तेरे प्यार की सौगंध माँ, तेरी दी हुई ये जिंदगी तेरी ही सेवा में गुजरेगी, तेरे बीते हुए दिनों के सारे दुख मैं भुला दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। माँ माँ ये खुशखबरी मैं अपने एक दोस्त को सुनाऊं? हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, और सुनो अपने दोस्त को मेरा प्यार देना। अच्छा माँ। और उससे पूछना वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। कंचन। हाय, हजारों कांग्रेचुलेशन। लाखों शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? अब कहीं नहीं जा रही, मगर तुम कहाँ जा रही? अब मैं भी कहीं नहीं जा रहा, आओ मेरे साथ। तुम्हारी कसम कंचन, मुझे पास होने की इतनी खुशी नहीं जितनी इस बात की कि ये मेरी माँ का सपना था। तो हो गया ना तुम्हारी माँ का सपना पूरा? हाँ अभी नहीं, अगर मेरी माँ के सपनों की एक पुस्तक मान लिया जाए तो मेरा MSc पास करना उस पुस्तक का पहला पन्ना है। बाकी पन्नों पे क्या लिखा है? लिखा है अपनी पढ़ाई खत्म करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूं। फिर अपने देश की तरक्की और खुशहाली के लिए नए नए तजुर्बे करूं, नई नई चीजें ईजाद करूं। फिर मेरी शादी हो ताकि माँ अपने आंगन में पोते पोते में खेलते देख सके। तो वो ये सपने कब पूरे कर रहे हो? और सपने तो मैं आज नहीं कल जरूर पूरे कर दूंगा, मगर जहां तक पोते पोतियों का सवाल है, तुम जानो मेरे अकेले के बस की थोड़ी बात है। कोई लड़की नजर में है? हाँ, और मैं भी लड़की की नजर में। तो फिर शादी में देर क्या है? पहले मैं घर गृहस्थी का बोझ उठाने के काबिल तो हो जाऊं। कंचन ये क्या, तुम उदास हो गई? डरती हूँ कहीं इतनी देर न हो जाए कि मेरा हाथ किसी और को थमा दिया जाए। कंचन
फिर ऐसी बात ना करना, मेरा तो दिल ही दहल गया। क्या बताऊं मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मम्मी ने जाने कहां कहां मेरी शादी की बात चला रही हैं। अगर उन्होंने कहीं बात पक्की कर दी तो फिर डैडी भी उनकी बात को नहीं टाल सकेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान ने तुम्हें मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए बनाया है। मगर कन्यादान तो भगवान नहीं करेगा आकर, इसके लिए तुम्हें मेरे डैडी से मिलना पड़ेगा। तो फिर कह देना अपने डैडी से कि रेडी रहें, कल श्रीमान रवि प्रकाश उनसे मिलने पधार रहे हैं। मगर श्रीमान जी बात कर भी सकेंगे? क्यों नहीं कर सकूंगा, आखिर क्या कमी है मुझमें, पैसे की सिवा। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं कम इन सर। आ आ रवि आओ भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो पात होनी। मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर आज मैं आपका आशीर्वाद भी चाहता हूँ। आशीर्वाद? जी हाँ दीवान साहब, आज मैं आपसे एक खास बात करने आया हूँ। ओ कंचन ने भी कहा था कि तुम कोई खास बात करना चाहते हो। बैठो बैठो, कहो क्या बात है। जी बात यह है कि वो मैं आपकी झील पर मछली का शिकार कर सकता हूँ। क्या यही खास बात थी? जी नहीं, ये तो यूं ही मुंह से निकल गया, खास बात तो कुछ और है। बताओ क्या बात है। घबराओ नहीं, हम दोनों के सिवाय यहाँ और कोई नहीं। दीवान साहब, भला आपके ख्याल में इंसान चांद की दुनिया पर कब तक पहुंच जाएगा? हो बस यही पूछना था। जी नहीं, वो तो एक खास बात है। दरअसल मैं कहना चाहता था, टेलीफोन। हेलो, हाँ हाँ, क्या कहा? खास बात है, मेरा वक्त जाया ना करो, जो कुछ कहना है ऑफिस में कहना। खास बात है? हाँ तो रवि तुम्हारी क्या खास बात है? जी वो जी कुछ नहीं, माफ कीजिए, मैंने आपका बहुत कीमती वक्त जाया किया है, माफी चाहता हूँ। It's all right. ना जाने लोग लखपति करोड़पति कैसे बन जाते हैं, अपना तो पति बनना मुश्किल हो रहा है। बुजदिल कहिए, अब देखो मैं कैसे बात करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। डैडी आप ऊपर जा रहे हैं? तैयार होकर दफ्तर जाएंगे? जरा रुक नहीं सकते? क्यों, क्या बात है? मुझे आज आपसे कुछ खास बात करनी है। कमाल है, आज कोई आम बात कर ही नहीं रहा है, क्या खास बात है तुम्हारी? कुछ नहीं, आप जाइए, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं खास बात कहने के लिए आया हूँ तुम नदी। धन्यवाद मेरे जो आप यहाँ पर हैं। बैठी ना, आप खड़े क्यों हैं? शुक्रिया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप कंचन को इस घर की बहू बनाकर उसे अपनी सेवा का मौका दें। जी बस आप हाँ कह दीजिए तो मैं शुभ घड़ी देखकर रवि और कंचन की सगाई कर दूँ। आप चुप क्यों हैं जमुना देवी? बात ही कुछ ऐसी है दीवान साहब। तो क्या आप कंचन को अपनी बहू बनाने की योग्य नहीं समझती? राम राम, कंचन बेटी जिस घर की बहू बनेगी उसके भाग्यशाली होने में कोई शक नहीं है। मैं तो अपने आप को इस रिश्ते की योग्य नहीं समझती। भला महल और झोपड़ी का क्या मेल, कहाँ आप और कहाँ हम गरीब। अमीरी गरीबी तो चलती फिरती धूप छांव होती है जमुना देवी, इंसान की कदर तो उसके काबिलियत से होती है, और फिर दौलत काबिलियत नहीं पैदा करती मगर काबिलियत दौलत पैदा कर सकती है। फिर भी पुरखों का कहना है रिश्ता हमेशा बराबर वालों के साथ ही ठीक रहता है। दीवान साहब, मेरी आंखों ने कभी अमीरी गरीबी का साथ लिपते नहीं देखा। हो सकता है, लेकिन पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, और फिर आप अपने आप को गरीब समझते क्यों हैं?
आपको तो भगवान ने वो लाल दिया है जो हर किसी को नसीब नहीं। सोच क्या रही हैं आप? क्या कहूं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा लाल मुझे इतना सम्मान दिलाए। बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो। कंग्रेचुलेशन सभी। थैंक यू दीवान साहब, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। अच्छा बहन जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलाकर फौरन आपको खबर दूंगा। नमस्ते। स्वामी, आज कितना खुशी का दिन है, मुझे अकेली से खुशी संभाली नहीं जा रही। काश आप होते और इस खुशी को बांट लेते। 25 साल हो गए हमें बिछड़े हुए, क्या क्या मुसीबतें नहीं आई मेरी राह में, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर ही दिया। दुख है तो बस इतना कि किस्मत ने मुझे आपकी सेवा करने का मौका नहीं दिया। कंचन, मैं समझता हूँ तुम अपने डैडी के उपकार का बदला 7 जन्मों तक नहीं चुका सकती, जिसने तुम्हारे लिए मुझ जैसा लायक लड़का पसंद करके तुम्हारा जन्म सफल कर दिया। बहुत खूब, मालूम होता है हुजूर को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई अपने बारे में। वो तो ये कहिए कि मुझे आपकी हालत पे तरस आ गया, क्या क्या पापड़ नहीं बेले आपने मेरे लिए, बंडल कहीं के। ये बताओ, शादी के बाद हनीमून कहाँ मनाया जाए? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पहले आती थी, अब नहीं आती। कंचन, हमें अपना हर प्रोग्राम पहले से बना लेना चाहिए, वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अब कल ही की बात मालूम होती है कि हमारी लड़ाई हुई, फिर सफाई हुई, अब सगाई होने वाली है और कुछ ही दिनों में तुम लुगाई बन जाओगी, और देखते देखते वो दिन भी आ जाएगा जब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपने सपनों को पूरा होते देखेंगे। मैं रोज सुबह दफ्तर जाया करूंगा और तुम दरवाजे में खड़ी दूर तक मुझे देखा करोगी। शाम को थका हारा जब मैं घर लौटूंगा, तुम दरवाजे में खड़ी राह देख रही होगी, मुझे देखते ही खुश हो जाओगी और मुस्कुराकर कहोगी, आप आ गए। कहो ना, आप आ गए जी। मुन्ने की माँ, मेरे लिए चाय लाओ ना। और तुम कहोगी, जरा सबर करो जी, मुन्ना रो रहा है। कहो ना, जरा सबर करो जी, मुन्ना रो रहा है। और जब मैं रात को रेडियो ऑन करूंगा, तुम कहोगी, रेडियो बंद करो जी, मुन्ना सो रहा है। रेडियो बंद करो जी, मुन्ना सो रहा है। मुन्ने की माँ, आधी रात हो चुकी है, आओ अब हम आराम करें, मेरे पास आओ ना। मुझे भी कुछ काम है जी। काम फिर हो जाएगा जी, मेरे पास आओ, मुझे खास बात याद आ गई है। क्या है वो खास बात? खास बात ये है,
की भी इजाजत नहीं, बेरुखी है अजी ये मोहब्बत नहीं। नजर ना लग जाए। प्लीज यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। एमएससी और मोहब्बत दोनों के इम्तिहान साथ साथ पास कर दिए। ही इज राइट।
इसे कहते हैं मोहब्बत, प्रेम की गाड़ी बोइंग प्लेन की स्पीड से लेके खींच के। और एक हम है, 4 साल से मोहब्बत का छगड़ा खींच रहे हैं। खटर खटर डू मरना चाहिए हमको शर्म से, वी शुड डाइव ऑफ शेम। अगर यही रफ्तार रही तो रवि और कंचन की औलाद जाएगी हमारी शादी में बराती बनकर। अरे भाई दीवान साहब, आखिर अब देर किस बात की? बस मेरी दीदी के आने की देर है, आज वो पंजाब से आ रही है। मैं चाहता हूँ ये मुबारक काम उन्हीं के हाथों से पूरा हो। मगर दादी, दीदी अब तक दुल्हन क्यों नहीं बनी? बेटी, दुल्हन सगाई पर नहीं शादी पर बनेगी। तो शादी पहले कर दीजिए, सगाई बाद में कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। आओ बहन आओ। अरे कैसा है जानकी दास? बस बहन तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अच्छा अच्छा, सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन रहो। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो, कितनी अच्छी लग रही है। बहन आओ तुम्हें इसके मंगेतर से मिलाऊं। ये है रवि। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। जानकी दास, हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमारी बेटी के लिए ऐसा अचान सा लड़का मिला है। बहन ये सब भगवान की कृपा है। आओ चलो। आओ बहन तुम्हें समधन से मिलाऊं। ये हैं रवि की माता जी, मेरी बड़ी बहन। नमस्ते। दीवान साहब आप दोनों बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बहन, भगवान करे ये रिश्ता हमेशा बना रहे। आप अंबाला की रहने वाली हैं? जी। कृष्णा गले में रहती थी? जी। तो तुम्हारा नाम जमुना है क्यों? नहीं नहीं, वो जमुना मर चुकी, मर चुकी, मर चुकी। माँ माँ, भैया बंद करो ये सब, ये सगाई नहीं होगी, नहीं होगी। दीदी, शुक्र है भगवान का कि मैं ठीक समय पर पहुंच गई यहाँ पर, वरना हमारे कुल की नाक कट जाती। जानते हो कौन है? एक तुम्हारी माँ का बेटा। खामोश, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। मेरी माँ देवी है, देवी देवी है, देवी। अपनी देवी की करतूत अंबाला जाकर पूछो, जहाँ से 25 वर्ष पहले अपने पेट में पापी कटहरी लेकर भाग आई थी। फिर मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा तो जुबान खींच लूंगा। किस किस की जुबान खींच लोगे? जाकर पूछो अपनी माँ से, क्यों शहर छोड़कर भाग आई थी, कौन है तुम्हारा बाप, कब हुई थी उसकी शादी, किसके सामने हुए थे? निकल जाओ यहाँ से। I say get out from here। देख क्या रहे हो? देख रहा हूँ भरी सभा में दौलत किस तरह गरीब की इज्जत से खेल रही है। मेरी माँ निर्दोष है कंचन, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मुझे माँ से अभी सब पता चल जाएगा, तुम शाम को मुझे वहीं मिलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कंचन जाओ इधर। तुम चुप क्यों हो माँ, क्यों उठ के चली आई वहां से? जानती हो झूठी औरत ने तुम्हारी पवित्रता पर क्या क्या कीचड़ उछाला, कितना जलील किया है मुझे सबके सामने। माँ तुम्हारे मुंह से एक बार सुनना चाहता हूँ, औरत झूठी है, बकवास किया, उसने सरासर झूठ बोला है। माँ कह दो वो सब झूठ है, कह दो माँ वो झूठ है। ये झूठ नहीं है माँ। दरअसल बात ये थी। खामोश, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। काश ये सुनने से पहले मैं मर गया होता, मुझे माता के। ऐसे न कहो बेटा, ऐसे न कहो। खबरदार, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू मेरी माँ नहीं, मेरी दुश्मन है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिसे आज तक देवी समझ कर पूजता आया हूँ, उसका असली रूप कुछ और है। मुझे नहीं मालूम था बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाने वाला हाथ मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा चुका। मुझे पैदा होते क्यों नहीं मारते, क्यों नहीं मेरा गला घोट दिया? बात तो सुनो बेटा, बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रवि रुक जाओ, रुक जाओ रवि, रवि। रवि, रवि, रवि,
अपनी देवी की करतूतम बाला जाकर पूछो, जहाँ से 25 वर्ष पहले अपने पेट में बाप की गठरी लेकर भाग आई। कौन है तुम्हारा बाप? किसके सामने हुए थे? मेरा ख्याल है कि पहली बार इस शहर में आए हो और शराब भी पहली बार पी। हाँ, मेरी जान, आपकी शक्ल बता रही है कि कोई गम आपको यहाँ खींच के ले आया है। लेकिन नशा चढ़ता नहीं और गम उतरता नहीं। आओ मेरे साथ। मगर आप कौन है? आप जैसों का हमदर्द। आओ चलो। पियो 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 पियो। अरे वाह शरबती भाई, जवाब नहीं। मैं तेरे बच्चे को संभाल कर रही। तो फिर हमें कौन संभालेगा? हम नहीं जाने देंगे। नाचो। जाने दो बेचारी। मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। रोने दो उसे, उसे तो जिंदगी भर रोना है। जिसको ये पता नहीं कि वो किसका बेटा है और कौन है उसका। खामोश। वाह भाई वाह, तुम तो ऐसे भड़क उठते जैसे कि उसके बच्चे को नहीं तुमको हरामी के। योर वर्शिप, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम रवि प्रकाश ने अपने बाप का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिम से उसके बाप का नाम दरियाफ्त किया जाए। क्या नाम है तुम्हारे बाप का? अदालत तुम्हारे बाप का नाम जानना चाहती है। क्या बाप का नाम जाने बिना केस का फैसला नहीं हो सकता? हुजूर, बाप का नाम पूछने पर मुलजिम का अदालत में भी इनकार करना जाहिर करता है कि मुलजिम किसी आला खानदान से ताल्लुक रखता है और किसी बाइज्जत बाप का बेटा है, जिसे वो अपनी करतूत से बदनाम नहीं करना चाहता। ये झूठ है, सरासर झूठ है। हुजूर, ना मेरा खानदान आला है और ना मैं किसी बाइज्जत बाप का बेटा। सच पूछियो तो उसका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती। वो सालिम है, वो जलील है, वो नीच है। आई ऑब्जेक्ट टू वश। मुकदमे का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं और अदालत में किसी को गाली देने की इजाजत नहीं। गाली? हजूर, अगर वो पापी मुझे कहीं मिल जाए मैं उसका गला घोंट दूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, उसका खून पी जाऊं। ऑर्डर। अपने बाप के बारे में ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तो शर्म तो मुझे इस बात पर आती है कि बदनसीबी से मैं ऐसे माँ बाप की औलाद हूं जिन्होंने बगैर शादी के मुझे जन्म देकर इस धरती का बोझ और समाज के माथे का कलंक बना दिया। यो वशिप, मुलजिम और उसके खानदान की असलियत मालूम होगी। जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसे लोगों का ऐसी नीच हरकतें करना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसलिए मुलजिम को उसके किए की सजा देकर कानून का तकाजा पूरा किया जाए। मुझे सजा का खौफ नहीं मजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि जो सजा मैं भुगत रहा हूं दुनिया की बड़ी से बड़ी अदालत भी मुझे नहीं दे सकती। मैं ये मानता हूं मैं बुरी जगह गया, मैंने शराब पी, मैंने झगड़ा किया, मगर मैं सच कहता हूं मजिस्ट्रेट साहब, मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री इसलिए हासिल नहीं की कि मैं गुंडागर्दी के जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत का मुंह देखूं, मेरी रुसवाई हो, दुनिया मुझ पर उंगलियां उठाए। दरअसल ये उसी परेशानी, उसी वहशत का नतीजा है जिसका जिम्मेदार वही शख्स है जिसका नाम तो है राम प्रकाश, मगर उसने नीचता में रावण को भी पीछे छोड़ दिया है। ये शर्मनाक राज 25 बरस बाद ऐन उस वक्त खुला जब मैंने जिंदगी की नई राह में कदम रखा था, मेरी सगाई होने लगी थी। अचानक उस वक्त मुझ पर और मेरी माँ पर फूलों की बजाय तानों की बारिश होने लगी। मेरी हंसती खेलती जिंदगी जानों में बदल गई। हुजूर, मुलजिम अदालत का वक्त जाया कर रहा है। अदालत को तुमसे हमदर्दी है नौजवान,
क्या तुम अपनी माँ का नाम बता सकते हो? चमना। कहाँ की रहने वाली हो? पंजाब। पंजाब में कौन सी जगह? अम्बाला। मालिक, आज आप कचहरी से लौटने के बाद कुछ खोए खोए से दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं दीनू। नहीं, आप जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दीनू की सारी उम्र गुजरी है इस घर की सेवा में, और आपने मुझे नौकर नहीं हमेशा घर का आदमी समझा है। अगर आज आपने अपने दुख का कारण मुझे न बताया तो मैं समझूंगा आप मुझे गैर समझते। नहीं नहीं दीनू, इस दुनिया में तुम ही तो एक साथी हो मेरे दुख सुख, तुमसे क्या पता? बात यह है, आज अदालत में मेरे सामने एक ऐसा मुलजिम पेश हुआ जिसका बयान सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुलजिम वो नहीं मैं। आप क्या कह रहे हैं मालिक? ठीक कह रहा हूं, इससे बड़ी बदनसीबी क्या है दीनू कि मेरा अपना ही खून मेरे मुंह पर थूक रहा था, सबके सामने मेरा अपना बेटा मुझे गालियां दे रहा था। जी, बेटा? हाँ दीनू, जिस बदनसीब के बारे में हम ये सोचते थे कि दुनिया के जुल्म और सितम से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली है, वो जिंदा है। क्या कहा? मालकिन जिंदा है? तो फिर आप अपने बेटे को साथ क्यों नहीं लाए? जब किस्मत ही साथ न दे तो कैसे लाता उसे? उसे अपने माँ बाप से सख्त नफरत है, अब बाप के तो वो खून का प्यासा हो रहा है। मगर क्यों? दिनों, वो अपने आप को अपने माँ बाप के पाप की निशानी समझता है। छी 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 छी, आपने उसे सब कुछ बता क्यों नहीं दिया कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं? मैं तो चाहता था उसे सीने से लगा लूं, लेकिन अपने लिए उसके दिल में इतनी नफरत देखकर मुझे तो बात तक करने की जरूरत ना हुई। मुझे बताइए ना मालिक, वो कहाँ है? मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूंगा। नहीं दिनों, अभी इसका वक्त नहीं आया। मैं चाहता हूं उसे साथ लेकर पहले उसकी मां के पास जाऊं, उस देवी के पैर पकड़कर माफी मांगू। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी दीनू, बेटी की नफरत मोहब्बत में नहीं बदल सकती। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए मालिक, ये बूढ़ी आंखें बिछड़े हुओं का मिलाप देखने के लिए तरस रही हैं। तुम्हें रिहा किया जाता है, तुम्हारा जुर्माना भर दिया गया है। मेरा जुर्माना भर दिया गया? यहाँ कौन है मेरा? मैं। मजिस्ट्रेट साहब आप? मेरा मतलब है, मैंने ही तुम्हारा जुर्माना अदा किया है। अजीब बात, जुर्माना किया भी आपने, दिया भी आपने। वो भी मेरा फर्ज था और ये भी मेरा फर्ज है। वो कानूनी फर्ज था, ये इंसानी फर्ज है। के लिए शुक्रिया, पर मेरी समझ में नहीं आता मजिस्ट्रेट साहब, एक आवारा अजनबी के लिए आपके दिल में क्यों इतनी हमदर्दी है? न जाने क्यों, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। तुम्हारे हालात सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपनी मां की पूरी बात नहीं सुनी। हो सकता है पूरी बात सुनने के बाद मैं उसको चांद से मार डालता। हो सकता है पूरी बात सुनकर तुम उसके पैरों में गिर जाते, उससे माफी मांगते। कि क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूं। मेरी अदालत में बीसों केस ऐसे आ चुके हैं जहां लोगों ने गलत फहमी का शिकार होकर जल्दबाजी में गलत कदम उठाया और बाद में उन्हें पछताना पड़ा। मेरा दिल कहता है तुम भी गलत फहमी का शिकार हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अपनी 25 बरस की उम्र में तुमने किसी को अपनी मां पर उंगली उठाते देखा है? जी नहीं। तो फिर सोचो तो सही, अगर वो ऐसी होती तो अपनी जवानी की उम्र मेहनत मजदूरी करके गुजारने के बजाय वो ऐशो आराम से ना गुजारती? लेकिन तुमने उसकी बरसों की तपस्या पर पल भर में पानी फेर दिया।
जिसके लिए उसने दुनिया भर की ठोकरें खाई थी, अगर वही उसे ठुकरा कर चल दे तो उसका क्या ठिकाना है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अब भी वक्त है, उसके पास जाओ, उसकी पूरी बात सुनो। सोचो नहीं बरखुरदार, देर ना करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी, अगर एक पिछड़े हुए माँ बेटे को एक दूसरे से मिला सकें तो इसमें मुझे सच्ची खुशी हासिल होगी। प्लीज उठो। माँ, माँ। रवि बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? चाची माँ कहाँ है? क्या बताओ बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। चाची। हाँ बेटा, बस्ती वालों से पता चला कि उस बदनसीब ने उसी रात नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस कर्मचारी की किस्मत में यही कुछ लिखा था। इसका मतलब है उस पर लगाया गया दोष सच्चा था रवि, और दुनिया के डर से उसने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी जुबान नहीं चल गई अपनी माँ के बारे में ऐसी गंदी बात कहते? तो क्या ये झूठ था? सरासर झूठ था, वो बिल्कुल निर्दोष थी। अगर उसका दोष था तो सिर्फ उसकी गरीबी, जिसके लिए तुम्हारे अमीर बाप ने अपने माँ बाप से छुपकर मंदिर में उसे शादी की और कुछ दिन बाद जल्द लौट आने का वादा करके ऐसा गया जो आज तक उसका कोई पता नहीं। क्या कह रही हो चाची? ठीक कह रही हूँ बेटा, हमारी अबला माँ जिसके पास अपने शादी का कोई सबूत नहीं था, लोग चर्चा के डर से तुम्हें अपने पेट में लिए यहाँ चली आई और इस आस पर जी रही थी कि तुम उसके आंसू पोंछोगे, उस गरीब को कोई सुख का दिन दिखाओगे, मगर वो माँ, ये तूने क्या किया माँ? मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू? मेरा कसूर माफी के लायक नहीं। मैंने तुम्हारे ममता भरे दिल को दुखाया माँ, भगवान मुझे इसकी बड़ी से बड़ी सजा दे माँ। अब रोने से क्या होता है रवि, इसमें न तुम्हारा दोष है न तुम्हारी माँ का। सच पूछो, सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप। ये मुझे दो और देखो। रवि बाबू, उधर ना ही देखिए तो अच्छा है। हरिये काका जी, क्या हो रहा है? क्या बताऊं, किस्मत ने आपके साथ बड़ा भयानक मजाक किया है। कल कंचन बिटिया की बारात आ रही है। हरिये काका, मेरी तरफ से कंचन को मुबारकबाद दे देना। मुझे बहुत अफसोस है तुम पर गम कर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। इस हालत में तुम्हें किसी सहारे की जरूरत है। नहीं मजिस्ट्रेट साहब, मुझे तो उस आदमी की तलाश करनी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उस सिलसिले में भी मैं तुम्हारी कई तरह से मदद कर सकता हूँ, तुम आओ तो सही। आओ।
कब तक आंसू बहाओगी बेटी? लो कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए हरिया काका। उधर यही हाल बेचारे रवि का। रवि? हाँ, अभी अभी मिला था। बहुत दुखी है वो। तुमसे कुछ नहीं कहा उसने? कहा था कि कंचन को मेरी तरफ से शादी की मुबारकबाद दे देना। कहाँ है वो? सामान लिए स्टेशन की तरफ जा रहा था। कहाँ चली? स्टेशन। कंचन बिटिया, मेरी बात। इस वक्त तुम्हारा घर से बाहर जाना ठीक नहीं। नहीं हरिया काका, अब मैं शायद में नहीं रह सकती। तुम तो जानते हो कि मुझे ये शादी कभी मंजूर नहीं थी और ना है। लेकिन बेटी, आगे कुछ मत कहो। मुझे रवि के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। कंचन बिटिया, डॉक्टर साहब ने अब आपको घर जाने की इजाजत दे दी है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन है मेरा यहाँ? काश मैं एक्सीडेंट में मर गई होती। ऐसा ना कहिए। जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप मेरे साथ आइए, आइए ना। आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा जी भर आया, मगर अब आंसू पूछ डालिए और अपने आप को बेसहारा न समझिए। आज से इस घर को अपना घर और मुझे अपनी छोटी बहन समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैं आप पर बोझ बनकर कैसे रह सकती हूँ यहाँ? कभी बहन भी बोझ हुआ करती है। फिर भी मुझे कोई काम मिल जाए तो? इसकी चिंता आप ना करें, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। भाई मुझे तो बड़े जोरों की भूख लग रही है, चलिए कुछ खा लें। हाँ आइए। बाबूजी गरम रोटी दीजिए। नहीं बस। हाथ क्यों रोक लिया? एक तो और ना। और भूख नहीं है। वाह बाबूजी वाह, मैं जब आपकी उम्र का था तो मुझे इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी कि कभी कभी पड़ोसियों का आटा भी खत्म कर दिया करता था। देखा दीनू भी तुम्हें खुश देखना चाहता है। जी तुम भी अपने आप को संभालो, खुश रहा। खुशी तो उस दिन नसीब होगी मजिस्ट्रेट साहब, जिस दिन मैं अपने जालिम बाप को ढूंढकर अपनी और अपनी माँ की तबाह बर्बाद जिंदगी का जवाब मांगूंगा। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे अजीज, तुम्हारे जैसे होनहार नौजवान की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि वो महज एक जज्बाती बात की नजर होकर। मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा देता हूँ, कामकाज में इंसान का जी लगा रहता है। कितनी हमदर्दी है आपको मेरे साथ, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा और आपका पिछले जन्म का संबंध हो। पिछले जन्म का क्यों, इस जन्म में भी तो हमारा कुछ संबंध है।
है कि नहीं? हाँ, that's better. तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई. है, ये कपड़ा भी तुम पे बहुत सस्ता है. देखिए, ए सूट लेंथ से भी दे दीजिए और अब ये सारा सामान पैक करके गाड़ी में भिजवा दीजिए. मैजिस्ट्रेट साहब, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और फिर मैं इस काबिल भी नहीं कि आपके एहसानों का बदला चुका सकूं. एहसान? बदला? छोड़ो इन बातों को. कंचन. कहिए साहब, मेरी वाइफ के कपड़े तैयार हो गए? जी हाँ, पैक हो रहे हैं. इसका दाम क्या है? 2675. क्यों भाई, रुक क्यों गए? क्या बात है? अब कुछ नहीं. आओ. थैंक यू. वेलकम. क्यों दीदी, कुछ पसंद आया? ये तुम्हें कैसे लगता है? लो, अब जरा ये साड़ी पहन कर दिखाओ मुझे. उफ़ो, भाई तुम ये बार बार क्या सोचने लगती हो? रचना, तुम एहसान पर एहसान कर रही हो. सोचती हूँ इनका बदला कैसे चुकाऊंगी. तुम अगर छोटी बहन के प्यार को एहसान ही समझती हो तो इसका बदला अभी चुका सकती हो. तुम्हारा मतलब ये कि अगर तुम मेरी मदद करो ना तो मेरी तनख्वाह डबल हो सकती है. तुम जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ. वेरी गुड, बस तुम्हें तैयार हो जाओ मेरे साथ नर्स बनने के लिए. नर्स? हाँ, यहाँ मेरे एक अंकल डॉक्टर है जिनका अपना नर्सिंग होम है. उन्होंने मुझे डबल तनख्वाह पर दो नर्सों के लिए कहा था. मैं और मीरा जाने वाली थी मगर मीरा कट ईडी शादी कर रही है इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा. मुझे? हाँ. भाई सोच क्या रही हो? जब चीजा जी मिल जाएंगे तो छोड़ देना नौकरी. कहेगी मजिस्ट्रेट साहब. ओ रवि, अच्छे वक्त आए बेटे. वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से तुम्हारे लिए खत आया है. उन्होंने तुम्हें इंटरव्यू पर बुलाया है. मुझे यकीन है ये नौकरी तुम्हें जरूर मिल जाएगी. क्यों, तुम खुश नहीं हुए? माफ कीजिए, मैं जाना चाहता हूँ. आपकी इजाजत लेने आया हूँ. रवि, ये तुम बार बार जाने के लिए क्यों जिद करते हो? तुम्हें यहाँ किस बात की तकलीफ है? ये तकलीफ का कम है मजिस्ट्रेट साहब. जिस शख्स की मुझे तलाश है वो यहाँ रहते हुए मुझे नहीं मिल सकता. और मैं कहता हूँ कि वो तुम्हें यहीं रहते हुए मिल सकता है. वो एक दिन इसी घर में तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़ा होगा जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ. कब कब आएगा वो दिन? हर काम का वक्त होता है रवि. अब और इंतजार नहीं होता. लगता है जिंदगी एक बोझ बनकर रह गई है. नफरत होने लगी है इस जिंदगी से मुझे. लेकिन मुझे प्यार है तुम्हारी जिंदगी से. मैं इसे संवारूंगा. इस पर दुख दर्द की छाया तक न पड़ने दूंगा. आप किस लिए अपना कीमती वक्त मेरे लिए बर्बाद कर रहे हैं? तुम मेरे वक्त से कहीं ज्यादा कीमती हो. सच तो यह है, तुम्हारे रूप में मैं अपने बेटे को देख रहा हूं. आपका बेटा? हाँ. कहाँ है वो? वो बदनसीबी से एक हादसे में मुझसे बिछड़ गया. और उसकी माँ? वो भी उसी हादसे का शिकार हो गई. तो आप इस दुनिया में अकेले हैं? अब नहीं, तुम तो मेरे साथ हो. कितने महान हैं आप मजिस्ट्रेट साहब. रवि, मैं दुनिया भर के लिए मजिस्ट्रेट हूं लेकिन तुम्हारे लिए नहीं. मैं सच में तुम्हें अपना बेटा समझता हूं. क्या तुम मुझे पिता समान नहीं समझ सकते? मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत है. मुझे तुम्हारी इज्जत नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए. मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे छोड़कर कभी ना जाना. मुझे छोड़कर कभी ना जाना. मालिक, क्यों अपनी आत्मा को कल पा रहे हैं? आपका यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता. क्यों नहीं बता देते रवि को सब कुछ? नहीं दीनू, अभी बताने का वक्त नहीं है. जब तक रवि के दिल से मेरे लिए नफरत निकल नहीं जाती
तब तक सब कुछ मुझे खामोशी से बर्दाश्त करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने कई बार यहाँ से जाने की कोशिश की, मगर आपका प्यार हमेशा मेरे रास्ते में आ खड़ा हुआ। पर मेरे लिए अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपका एहसान मंद रवि। तो यह कि तुम्हारे रूप में मैं अपने बेटे को देख रहा हूं। मैं सच में तुम्हें अपना बेटा समझता हूं। क्या तुम मुझे पिता समान नहीं समझ सकते? मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। सारी मुसीबत की जड़ तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि नारी निकेतन की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। दरअसल ये इतनी बड़ी संस्था मजिस्ट्रेट राम प्रकाश शुक्ला जी की अनथक मेहनतों का नतीजा है। यूं तो दौलत के लिहाज से हमारे शहर में एक से एक बड़ा आदमी मौजूद, लेकिन इंसानियत की नजर में बड़ा आदमी वो है जो दीन दुखियों और गरीबों की सेवा करे, उनके काम आए। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मजिस्ट्रेट साहब ही हमारे शहर के सबसे बड़े आदमी। शहर का ही क्यों, मजिस्ट्रेट साहब को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कहिए श्रीमान जी। ऐसे महापुरुष रोज रोज पैदा नहीं होते जो अबलाओं की इज्जत से खेलना और फिर उन्हें ठुकरा देना अपनी तफरी समझते हैं। बंद करो ये बकवास। चलो चलो बाहर निकालिए, चलो यहां से। इसे मत रोकिए, कहने दीजिए जो कुछ ये कहना चाहता है। ये कोई गैर नहीं है, मेरा अपना ही खून मेरे खिलाफ उबल रहा है। यही तो मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरी रगों में एक ऐसे इंसान का खून है जिसने अपनी करतूत से इंसानियत का मुंह काला कर दिया। एक मासूम औरत से प्यार का नाटक रचाकर उसे और उसके बेटे को दुनिया की ठोकरों में डाल दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने? हाँ हाँ, मजिस्ट्रेट साहब ने, जो उधर इंसाफ की धज्जियां उड़ाकर इधर इंसाफ की कुर्सी पर आ बैठे हैं। क्या ये सच है? आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। खामोशी के सिवाय इनके पास मेरी बात का जवाब ही क्या है? ये बात नहीं रवि, मेरे पास तुम्हारी हर बात का जवाब है। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाए हैं वो सब झूठे हैं। मेरा दोष है तो सिर्फ ये कि मैंने अपने मां बाप के डर से जमुना से छुपकर एक मंदिर में शादी की। इससे पहले कि मैं ये बात सब पर जाहिर करता, मुझे अचानक इंग्लैंड जाना पड़ा। जमुना ने मुझे खत लिखा कि वो मां बनने वाली है, लेकिन अफसोस ये खत मुझे उस वक्त मिला जब मेरी दुनिया लुट चुकी थी। जमाने के तानों से तंग आकर जमुना बेचारी शहर छोड़कर जा चुकी थी। मैंने उसे महीनों तलाश किया, शहर शहर गांव गांव भटकता फिरा, और आखिर लोगों के इस बात पर विश्वास करके बैठ गया कि उसने लोक लाज के मारे आत्महत्या कर ली होगी। वाह, जवाब नहीं आपका मजिस्ट्रेट साहब, बहुत खूबसूरत कहानी गढ़ी है आपने अपनी सफाई में। कहानी? अब ये कहानी है या हकीकत?
इसका फैसला तुम खुद ही कर लो। इमारत, ये मूर्ति तुम्हें दिखाने के लिए दो दिन में नहीं बन गई बल्कि बरसों से बन रही है। ये मेरी श्रद्धांजलि उस देवी के लिए। क्या दिखा रही है मुझे? मेरा जीना दो भर कर दिया है तूने। न वो तुझे नदी से निकालते, न मेरे पर ये मुसीबत पड़ती। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। माफ करना मालकिन, चक्कर आ गए। मैं खूब जानती हूँ तेरे ये चक्कर। न कोई दिन देखती है न मौका। मैं तो तंग आ गई तेरे नखरे सहते सहते। उस दिन कह रही थी मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, और अब पीछे ही नहीं छोड़ती है। चल छोड़ ये बर्तन और निकल निकल यहाँ से। मेरी आंखों से बाहर। मैं कहाँ जाऊंगी मालकिन? अभी निकल, मार दबा मेरी नजर। और नहीं संभाली अब तक कलगुनी ने, जैसे इसके बाप का घर। मुबारक हो भाई साहब को, मुबारक हो। क्या बात है माँ जी? कुछ नहीं, चक्कर से आ गए। कहाँ जाना है तुम्हें, मैं पहुंचा दूं। जाना कहाँ बेटे, मेरी किस्मत ने तो ठोकरे ठोकरे लिखी। क्यों, कोई है नहीं क्या तुम्हारा? ऐसा न कहो, सब कुछ है लेकिन मेरी किस्मत में नहीं। तुम जैसी औरतों के लिए पास ही एक नारी निकेतन बना है। और चलो पहुंचा दूं तुम्हें, आओ। सुनिए, इस बेचारी का कोई सहारा नहीं, क्या इसे यहाँ जगह मिले? हाँ हाँ, नारी निकेतन तो है इसी सेवा के लिए। चलो बहन, चलो। अच्छा माता, जीते रहो बेटा। राम प्रकाश शुक्ला ने वो कहा रहते हैं इसी सड़क पर आखिरी कोठी उनकी। लेकिन बात क्या है,
कौन? ए कौन है वहां? कौन हो तुम? बेटा। माँ, माँ, बेटा। माँ, माँ तू कहाँ चली गई थी? बेटे। क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी माँ? क्या हाल हो गया तुम्हारा? ये सब भगवान का खेल है बेटे। तुम फिक्र ना करो माँ, अब दुख की घड़ियां बीत चुकी हैं। जानती हो पिताजी भी मिल गए हैं माँ। पिताजी, पिताजी। पिताजी, माँ जिंदा है पिताजी। चलो माँ। जल्दी जमना बेहोश हो गई है। दीनू, दीनू पानी लो। हेलो, डॉक्टर वर्मा नर्सिंग होम। डॉक्टर वर्मा है? जी हाँ, आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मजिस्ट्रेट शुक्ला जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए आप डॉक्टर साहब को फोन दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब आपका फोन। Yes, Dr. Verma speaking. क्या कहा? Don't worry, मैं भी आ रहा हूं। ब्लड प्रेशर की शिकायत है और दिल भी कमजोर है। डॉक्टर साहब जैसे भी हो सके आप इन्हें ठीक कर दीजिए। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे डॉक्टर साहब। घबराओ नहीं, इन्हें बाकायदा इलाज और आराम की जरूरत है। या तो इन्हें नर्सिंग होम में दाखिल कर दीजिए या मैं एक नर्स यहाँ भेज देता हूँ जो इनकी मुनासिब देखभाल कर सके। अगर आप नर्स का इंतजाम कर सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। जो कुछ हुआ अब उसे भूल जाइए, इसमें किसी का दोष नहीं। ये सब किस्मत में लिखा था, अब मुझे किस्मत से कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे आप दोनों से सख्त शिकायत है। क्या भाई, क्या कसूर हुआ हमसे? इसलिए कि आप माँ को दवाई पिलाना भूल गए और माँ है कि दवाई पीना भूल जाती है। पियो माँ। छोड़ दे, मुझे दवा नहीं चाहिए। अब इस घर में बहुरानी आ जाए तो मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। माँ मेरी एक बात मानो, थोड़ी देर के लिए मुझे ही बहुरानी समझ लो। पियो। कड़वी है? देखा आपने, बात हंसी में टाल रहा है। आप कल ही कंचन के पिता से मिली। माँ छोड़ो कंचन की बात, उसकी तो कभी की शादी भी हो चुकी।
शादी हो चुकी है। हाँ। तो क्या हुआ, मेरे बेटे को कौन सी लड़कियों की कमी है? और फिर मेरे दोस्त मेहरा साहब की लड़की लिली भी तो आज आ रही है। मम्मा, ये लिली क्या चीज है, किस लिए आ रही है? अपनी सूरत तुम्हें दिखाने और तुम्हारी सूरत खुद देखने। आ गई आप जी? कैसे ना आती, कहाँ है मिसेस शुक्ला? ऊपर हैं। सुनिए, ऊपर जाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। जी फरमाइए। आइए आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं आपको सब बता दूँगा, बैठिए। देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी। जी बैठिए ना। ना मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ, ना आपको मेरी नेचर का पता है। और फिर शादी तो जिंदगी भर का सवाल होता है, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा लेना हम दोनों के लिए खराब हो सकता है। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। माना कि आप खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुशील भी हैं, पर जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, मेरे हालात मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं आपके साथ शादी करूँ। अजीब बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। जी मुझे अफसोस है, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता। देखिए माता जी आपसे पूछें तो आप साफ इनकार कर दीजिए। जी मैं कर दूंगी। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं दूंगा। टूटा खुदा खुदा करके, हे भगवान। मैं कम इन प्लीज। कम इन, ओ प्लीज कम इन, मुझे आप ही का इंतजार था। थैंक यू। आप आ गई हैं तो आप माँ की तो भी यकीनन अच्छी हो जाएगी। आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरा बहुत इंतजार। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल बात ये थी कि मेरी कैडिलैक मम्मी ले गई और प्लाइमाउथ सर्विस पे गई हुई है, और बेबी हिंदुस्तान बहुत छोटी गाड़ी है, इसलिए मैं डैडी की डॉज में आई। आप डॉक्टर वर्मा के हॉस्पिटल से नहीं आई? हॉस्पिटल? मेरा हॉस्पिटल से क्या वास्ता? आपने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। मैं जस्टिस मेहरा की बेटी लिली। लिली? तो वो कौन थी? वो कौन? आप डैडी की डॉज में आए हैं? ओए तो कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? करेंगे तो आइए। कहाँ जा रही हैं आप? क्लब। क्लब क्या करेंगे? सेवा, मेरा मतलब है हम यहाँ क्या करेंगे? वहाँ आजादी से बैठेंगे, बातें करेंगे और मगर अरे टेलीफोन। हेलो, कौन? मिस्टर रवि? हाँ देखिए, मैं दिलवाक्षी स्टोर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आपके जूतों का माप कहीं खो गया है, प्लीज दोबारा भिजवा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, भिजवा देता हूँ। थैंक यू। क्या क्या कहा? तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे मैं कह देता हूँ, पास ही खड़ी हैं। मिस लिली, आपके घर से फोन था, आपके डैडी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्होंने अभी घर आपको बुलाया। लेकिन डैडी तो बाय ट्रेन कलकत्ता गए हैं। बाय प्लेन वापस आ गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको जल्दी जाना चाहिए। अच्छा, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। आप कुछ भी कहिए, उस बदतमीज के होते हुए मैं यहाँ नहीं आ सकूंगी। लेकिन लेकिन वो कौन हो सकता है? अरे बेटे सुन, ये शिकायत कर रही है, इन्हें कोई परेशान कर रहा था नीचे, जरा पता करके कान खींचो तो उसके। माँ, उस बेचारे का कोई दोष नहीं, दरअसल वो इन्हें कोई और किसी और को कोई और समझ बैठा। फिर भी मैं उसकी तरफ से उसके अल्फाज वापस लेता हूँ, माफ कर दीजिए। और फिर कहने लगे, अल्फाज वापस लेता हूँ, इस बदतमीज को माफ कर दीजिए। बहुत चालाक मालूम होता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है, अरे नाम पूछना तो मैं भूल ही गई, वैसे घर में सब इन्हें छोटे साहब कहते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या मतलब? मतलब ये कि बता दो। बताओ ना। तुम डांटोगी तो नहीं? नहीं बताओगी तो पीटूंगी। मुझे एक बार मीरा ने कहा था कि जब किसी से प्यार हो जाता है ना, तो उसके सामने दिल में कुछ कुछ
ये यूं यूं सा होने लगता है। अच्छा तो क्या तुम्हारे दिल में भी होने लगा है यूं यूं? काश किसी दीवाने को हमसे भी मुहब्बत दीवान।
सारी तोड़ कर ला सकते। सुना दीदी, मुझे तो इस लड़की की किस्मत पर रश कर रहा है। इसके लिए कोई आसमान से तारे भी तोड़ कर लाने वाला है, और अपने लिए जाने कोई खजूर भी तोड़ता है कि नहीं। और इस पर से तुम कह रही हो कि है वक्त, अभी तौबा कर लो। दीदी प्लीज अब ये बता दो ना कि बात आगे कैसे बढ़े। तुम बहुत भोली हो रचना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मेरी बात मानो तो इस राह में कदम रखने से पहले एक बार फिर सोच लो। मगर मैंने तो ये सुना है दीदी कि प्यार की राह में न कदम रखने से पहले सोचा जाता है, न कदम रखने के बाद। और फिर मैं क्यों सोचूं? तुम जो हो मेरे लिए सोचने वाली। बस दीदी अब जल्दी से कोई ऐसा टोटका बताओ कि उधर भी प्यार का टेम्परेचर तेज हो जाए। इसके तो एक छोर 100 रास्ते हैं। तुम एक ही रास्ता बताओ ना दीदी, मगर जरा शॉर्टकट। बस अब गाड़ी को ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। ब्रेक। आइडिया, गुड आइडिया ना, वंडरफुल। उनकी यहाँ गाड़ी जरूर होगी। है, मगर इस गाड़ी का उस गाड़ी से क्या संबंध है? अच्छा अब मैं जाऊं? अच्छा बेटी जाओ। जब तुम वहां से चलने लगो तो ये तसल्ली कर लेना कि वह तुम्हारे आस पास ही है। रामचंद देखो जाकर ड्राइवर है बाहर। उसके बाद किसी चीज से टकराकर गिर जाना, वह तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। क्या हुआ, कैसे गिर गई? ये जोर तो नहीं आई बेटी? जी नहीं, आप जाइए। जाने कहाँ से आटक का? ओह दीदी अब मैं क्या करूं? क्या हुआ, गिर गए यार? चोट ज्यादा तो नहीं है? आप तो चल भी नहीं सकते। खैर कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से कहता हूँ आपको छोड़ देता है। ड्राइवर तो कहीं बाहर गया होगा। चलिए मैं आपको छोड़ा था। चलिए थैंक यू। कैसे गिर गई यहाँ? ड्राइवर मेम साहब को घर छोड़ कर आओ। यस सर। पुट्टा को से ड्राइवर। दर्द कैसा है? जी और बढ़ गया है। अरे ड्राइवर जल्दी लेकर जाओ। और दीदी वो मुझे गाड़ी में छोड़ने आ ही रहे थे तो कि एन वक्त पर वो बुड्ढा खोजे ड्राइवर जाने कहां से आ मरा। अच्छा तो उसका ड्राइवर तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है? हाँ जी, मैं तो आता था कि उस मर्दूत को गाड़ी से उठाकर बाहर फेंक दूं। मेरा तो ख्याल है दीदी जिस घर में ड्राइवर हो ना वहां कभी प्यार नहीं करना चाहिए। मगर देखो आपके ड्राइवर घर में ना हो तब गिरना। ना बाबा, मैं अब नहीं गिर सकती, पहले ही दर्द से जान जा रही है अपनी। तो पैर के दर्द से ये हाल है तो दिल के दर्द का क्या होगा? दीदी तुत्तू के दिल में भी दर्द होगा। होगा होगा होगा। Thank you.
मैं तो समझा था आप जा चुकी होंगी। रात बहुत हो चुकी है माँ। हाँ बेटा, ड्राइवर से कहो इसे घर छोड़। ड्राइवर तो चाबी देकर चला गया। तो तुम ही छोड़ाओ ना बेटा। नहीं नहीं, आप इन्हें क्यों तकलीफ दे रही हैं? मैं खुद ही चली जाऊँ। इसमें तकलीफ की क्या बात है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं रचना, अब आए हैं तो दीदी से मिलकर जाइए, वो कई बार कह चुकी है। वक्त बहुत हो चुका है माँ, घर में अकेली है, फिर किसी रोज जरूर आऊंगा। फिर भी कुछ चाय वाय तो पी लीजिए। चाय नहीं, किसी रोज आऊंगा पेट भर के खाना खाऊंगा। खिलाइएगा ना। क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तो मैं चलो, नमस्ते। दीदी, क्या बात है? इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है दीदी, जिसके लिए घर बार छोड़ा वही न मिले तो क्या फायदा इस जीने का। धीरज रखो दीदी, कहाँ तक धीरज रखो रचना, मेरी तो समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मैंने कहाँ कहाँ की खाक नहीं छानी उनके लिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है सारी जिंदगी इसी निराशा में गुजर जाएगी। ऐसा ना कहो दीदी, तुम अपने आप को बेसहारा न समझो। दीदी मैं क्यों ना उनसे कहूँ, मेरा दिल कहता है वो जीजाजी को जरूर ढूंढ निकालें। नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम जो उनसे कहो, मुझे जल जल कर मर जाना मंजूर है, मगर मैं अपने प्यार की रुसवाई होते नहीं देख सकती। बस करो बेटी, अब तो तुम्हारे हाथ भी थक गए होंगे। बड़ों की सेवा करने में हाथ कभी नहीं थकते माँ जी। तुम खुद ही सुंदर नहीं, तुम्हारे विचार भी सुंदर हैं। कितना भाग्यशाली होगा वो घर जिसकी तुम बहू बनोगी। क्यों रवि? हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हेलो, देखिए मैं रचना से बात करना चाहती हूँ। आप कौन है? मैं रचना की दीदी हूँ। प्लीज होल्ड ऑन, रचना योर फोन। हेलो रचना, पहले फोन किसने उठाया था? रवि बाबू ने। रवि? कौन रवि? वही छोटे साहब, मैजिस्ट्रेट साहब के बेटे। ओ तो हाँ रचना, तुमने अपने साहब को चैरिटी शो की टिकट दे दिए, वो आ रहे हैं ना? ओ मैं तो भूल ही गई, तुम्हें बात कर लो ना। दीदी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हेलो, कल हमारे हॉस्पिटल के लिए एक चैरिटी शो है, आपसे प्रार्थना है आप उसमें जरूर आए, और फिर इसी बहाने आपके दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ रचना से आपके बारे में इतना सुना है कि मेरा भी आपसे मिलने को जी चाहता है। कल तो मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर भी मैं आने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू। इस शो को खूबसूरत बनाने के लिए दीदी ने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया है। ये डांस बिरहा में तड़पती हुई एक ऐसे लड़की की कहानी है जो अपने परदेसी साजन को संदेशा भेज रही है, और ये रोल मेरी दीदी खुद कर रही है। आप देखेंगे तो बस जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रचना मेरी बात, एक मिनट ठहरिए। हूँ पर
बस 5 मिनट ठहरिए, दीदी कपड़े बदल रही हैं। रचना मेरे लिए 1 मिनट ठहरना भी मुश्किल है, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अपनी दीदी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना और शुभकामनाओं के साथ ये फूल उनको दे देना प्लीज। आप सचमुच आ रहे हैं? प्लीज। ये लो संभालो, तुम्हारे लिए देकर चले गए। चले गए? कोई जरूरी काम था। ऐसा भी क्या जरूरी काम था, कम से कम मुझसे मिला तो देती। मैं तो कई बार कोशिश कर चुकी हूँ दीदी, मगर तुम दोनों बस मिलते मिलते रह जाते हो। दीदी दीदी जल्दी आओ, देखो जा रहे हैं। Thank you.
तो बस तुमने कमाल कर दिया दीदी। काश वो भी शो में होते। तुम्हारे उनसे तो लगता है मेरी किस्मत में मुलाकात ही नहीं। कम से कम उनकी तस्वीर ही ला के दिखा दो। मैं तस्वीर देखकर ही बता दूंगी कि वो असली प्रेमी है या नकली। नहीं दीदी, वो नकली नहीं हो सकते। तुमने उसका इम्तिहान लिया था क्या? नहीं, मगर मेरा दिल कहता है। तुम्हारा दिल तो बहुत कुछ कहता है, पर उनका दिल क्या कहता है ये भी तो मालूम करो। तो कैसे? वो अगर तुम्हें दिल से प्यार करता है तो जरूर तुम्हारी हर बात मानेगा। बात करके देखो। मगर मैं क्या बात करूं दीदी, प्लीज तुम ही बताओ ना। ओफो, तुम्हें तो हर बात बतानी पड़ती है। सुनो, वो चाय या सिगरेट तो जरूर पीता होगा। उसे कहो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसे छोड़ दो। अगर वो मान जाए तो समझो तुम्हारे लिए उसके दिल में भी कुछ यूं यूं होता है, समझी? एक बात कहूं? जी कहिए। देखिए, मुझे ये सिगरेट पीने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए। आपने कब देखा मुझे सिगरेट पीते हुए? मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। ओह, तो फिर चाय जरूर पीते होंगे जी। आप चाय पीना छोड़ दीजिए। मगर मैं तो चाय भी नहीं पीता। ओह, तो फिर क्या छोड़ेंगे? क्या मतलब? जी मतलब ये कि अगर आप चाय या सिगरेट पीते होते तो क्या मेरे कहने से छोड़ देते? अच्छा, अगर छोड़ देता तो? तो मैं दीदी से लिपट कर कह देती कि उन्हें सच मुझसे प्यार है। रचना, मुझे कोई भूल हुई क्या? आप जो सोच रही हैं वो मुमकिन नहीं, कभी मुमकिन नहीं। आप तो रोने लगी। रचना, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से आपको दुख हुआ। दोष आपका नहीं, मेरा है। मैं किसी की हमदर्दी को प्यार और मेहरबानी को मोहब्बत समझ। रचना, मेरे दिल ने मुझे यह भी सोचने नहीं दिया कि कहां एक मैजिस्ट्रेट साहब का बेटा और कहां एक मामूली नर्स। ऐसा ना कहिए, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं। शायद आपको पता नहीं, मेरा दिल टूट चुका है। मैं वो दाना हूं जो भट्टी में जल भुन चुका है और इस काबिल नहीं कि दोबारा उग सके। रचना, मेरी उम्मीदों की अर्थी तो किसी की डोली के साथ उठ चुकी है। काश मैं आपसे न मिली होती। छोटे साहब, मालकिन आपको बुला रही है। माँ, किस लिए बुलाया मुझे? बैठे बैठा तुमसे एक बात कही। कहो। आप कह रहे? कहो ना। नहीं नहीं, आप कह दो, घबराने की क्या बात है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों नहीं कह सकते? बात यह बेटे, पहले तुम वचन दो कि हमारी बात टालोगे नहीं। आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं? क्यों नहीं बेटे, बात यह है, मेरी आंखें इस घर में बहू रानी को देखने के लिए तरस रही है। अब तुम शादी कर डालो। माँ, मुझे बार बार कहकर शर्मिंदा ना करो, मैं शादी नहीं करना चाहता। हमें तुम्हारा जवाब मालूम था बेटे, लेकिन माँ बाप की कुछ आशाएं होती हैं, कुछ अरमान होते हैं, जिन्हें अगर तुम पूरा नहीं करोगे तो और कौन करेगा। हमारी दिली ख्वाहिश है कि अब हमारा खानदान और आगे बढ़े। वो तो ठीक है पिताजी, मगर मैं मजबूर हूं। लेकिन अपनी माँ की मजबूरी का भी तो ख्याल करो, जिसने अपनी सारी जिंदगी दुखों में गुजार दी है। अब वो चार दिन सुख के देख सकती है, वो भी तुम उससे छीन लेना चाहते हो? भूल गए क्या कहा करते थे? माँ, तू मान भगवान को, मैं तुझे भगवान मानता हूँ, तेरी ही पूजा करता हूँ। अच्छी पूजा की मेरी माँ। अगर तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सर पे सेहरा देखने का अरमान दिल में लेकर चली जाए, माँ,
मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति न मिले वो तड़पती रहे तो। ना रो माँ, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। सच बेटे? हाँ माँ। आओ बेटे आओ। अच्छे वक्त आ गए। जानती हो रचना, रवि ने शादी के लिए यहाँ कर दी। मुबारक हो माँ जी, भगवान इन्हें सदा खुश रखे। मैं ये कहने आई थी माँ जी कि मैं कल से ना आ सकूंगी। क्यों? आप अच्छी हो गई हैं, अब मेरी क्या जरूरत है इस घर में? पगली कहीं की, सच पूछो तो इस घर में अब तुम्हारी जरूरत है। याद है मैंने कहा था, भाग्यशाली होगा वो घर जिसकी तुम बहू बनोगी। मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अरे तुम आज आंधी चुपके से कैसे चली आई? बोलती क्यों नहीं? तूफान खामोश क्यों बैठा है? क्या आज मैं उनके घर गई थी? क्या वहां वो मिले थे मुझसे? क्या हो गया है तुम्हें? कहीं भंग तो नहीं खा ली तुमने? दीदी कहीं हम ये ख्वाब में तो बातें नहीं कर रहे? पता लगा ये ख्वाब नहीं है। दीदी मैं क्या बताऊं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ। रचना मुबारक हो, मुबारक हो। आखिर तुमने भी एक तारे तोड़कर लाने वाला ढूंढ ही लिया। अच्छा ये तो बताओ कब मिला रही हो अपने उनसे? जब चाहे मिल लो, वैसे वो पार्टी में तो आएंगे ही, मिल लेना। कोई बात नहीं, महफिल में काफी रौनक नजर आ रही है। मगर मुझे तो अब रौनक नजर आ रही है। आपकी कसम, आपको देखने के लिए दीदी की आंखें तरस गई थी। आज कितनी खुश होगी वो। रवि बाबू, वही छोटे साहब, मैजिस्ट्रेट साहब के बेटे। दीदी मैं उस घर की बहू बनने वाली हूँ। आपकी कसम, आपको देखने के लिए दीदी की आंखें तरस गई थी। आज कितनी खुश होगी वो। रचना मैंने तुझे अपनी छोटी बहन माना है, अब तेरे लिए मुझे खुश होना ही पड़ेगा, चाहे मुझे उनकी नजरों से गिरना ही क्यों ना पड़े। वो मुझे बेवफा ही समझते रहे तो अच्छा है।
समझते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे मिलकर मुझे भी कम खुशी नहीं। मैं ना कहती थी आप दोनों मिलकर बहुत खुश होंगे, तो अब हो जाए इस खुशी में गाना। नहीं प्लीज आइए ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको मिस्टर रवि अपनी मन मोह लेने वाली आवाज में एक गीत सुनाएंगे। मेरे दिल से सितम गर तूने अच्छी दिल लगी की है के बन के दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन। तू फूल बने पतझड़ का तुझ पे बहार ना आए कभी, मेरी ही तरह तू तड़पे तुझको करार ना आए कभी, तुझको करार ना आए कभी, जिए तू इस तरह के जिंदगी को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन। तो असर कर जाए मेरी वफाएं यो बेवफा, एक रोज तुझे याद आए अपनी जफाएं यो बेवफा, अपनी जफाएं यो बेवफा, बशे माँ हो के रोए तू हंसी को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन। गुलशन से ज्यादा वीरान कोई वीराना न हो इस दुनिया में कोई,
तेरा अपना तो क्या बेगाना न हो, अपना तो क्या बेगाना न हो, किसी का प्यार क्या तू बेरुखी को तरसे, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे, मेरे दुश्मन। मेरी प्यारी बहन, मेरी तलाश खत्म हुई। रवि तुम्हें मुबारक हो। वो मुझसे नफरत करते हैं, इसका मुझे कोई गम नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा है। मेरी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। दीदी, रवि बाबू गजब हो गया। इतनी रात गए, दीदी ना जाने हमें छोड़कर कहाँ चली गई। मेरा तो जी घबरा रहा है, प्लीज आप भी उसे ढूंढिए। आपकी दीदी से मेरा क्या रिश्ता? रिश्ता? जिस गरीब ने आपकी खातिर अपने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, उसे आपका कोई रिश्ता नहीं। रचना, क्या कह रही हो तुम? नसीबी ने हम सबको अंधेरे में रखा। आपकी खातिर दीदी ने लगन मंडप में जाने से पहले ही घर छोड़ दिया। आज तक आपसे मिलने की उम्मीद पे जीती रही। जल्दी कीजिए, अगर दीदी ने कहीं कुछ कर लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। रचना, तुम क्या, मैं कहीं का ना रहूंगा। Thank you.
दीवान साहब, ये चहल पहल, ये मुबारकबादें, ये दोस्तों और रिश्तेदारों की रौनकें। दीवान साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे रीति अनुसार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में शादी की ये पवित्र रस्म ऐसी अदा होनी चाहिए, धूमधाम के साथ सबके सामने। आप बजा फरमाते हैं। अगर मुझमें भी इतनी जरूरत होती है तो मेरी धर्मपत्नी को, मुझे, मेरी संतान को इतनी परेशानी और मुसीबतों का सामना ना करना पड़ता। ही इज राइट, इसीलिए मैंने मुसीबतों से बचने के लिए 420 आदमियों के सामने अपनी लाजों का हाथ थामा है। अरे अनमोल, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी? माय फादर, ही इज अ दादर। वो आफ्टरनून की ट्रेन से हनीमून के लिए जा रहे हैं विद माय ब्रांड न्यू मदर। स्टॉप, स्टॉप लाफिंग। Here is the new couple, lucky couple. Aye, padhari, aye, make way, hurry up. Please, darling, them, lucky couple, lucky couple. Suno.